नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू में। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप सीटेट और यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से अनअकैडमी में फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर मैं बना चुका हूँ सीटेट और यूपीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने वहां पर लिए हुए हैं और वीडियो पब्लिश हो चुके हैं। उन वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक की सहायता से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और अनअकैडमी में फॉलो करना ना भूलें, ताकि नया जब भी कोर्स डालूं मैं तो आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा स्क्रीन में, सर्व शिक्षा अभियान की हम बात करेंगे यहाँ पे, और यहाँ मध्यान्ह भोजन का और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते ही हैं, उनसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सर्व शिक्षा अभियान की हम बात करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिकरण, ठीक है, से संबंधित एक कार्यक्रम है। अब आप कहेंगे कि ये सार्वभौमिकरण क्या है, तो चलिए इसका भी क्लैरिटी दे देता हूं मैं आपको। प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिकरण ये क्या होता है? सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है सबके लिए उपलब्ध कराना, सभी के लिए उपलब्ध कराना। प्राथमिक स्तर पर सार्वभौमिकरण के अंतर्गत यानी सभी के लिए, देशों में सभी बच्चों के लिए पहली से आठवीं कक्षा तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा करने का उद्देश्य निश्चित किया गया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि इस अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल बच्चों के घर के समीप भी होगा, ठीक है, ये है सार्वभौमिकरण। अब सार्वभौमिकरण में क्या क्या सहायता है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, न्यूनतम शिक्षा स्तर, मध्यान्ह भोजन स्कीम जो है, पोषाहार सहायता कार्यक्रम जो था, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी विद्यालय और प्राथमिक शिक्षा कोष जो है, ये सारे जो है कहीं ना कहीं सार्वभौमिकरण यानी सभी के लिए शिक्षा में इन्होंने योगदान दिया हुआ है। चलिए फिर से लौटते हैं हम सर्व शिक्षा अभियान में। तो सर्व शिक्षा अभियान भी क्या लिए? एक सभी की शिक्षा का एक अभियान है, एक ऐसा अभियान है जिसके अंतर्गत सब पढ़े और सब बढ़े का नारा दिया गया है। क्या दिया गया है? सब पढ़े और सब बढ़े का नारा दिया गया है, ये पूछा जा सकता है। और शिक्षा का अधिनियम भारत सरकार में 2000 से 2001 में लगभग इन्होंने प्रारंभ किया था। अब इस अधिनियम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं मैं आपको। सर्व शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। हम यहाँ लक्ष्यों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे। विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र या वैकल्पिक विद्यालयों को वापस अभियान में 2003 में बच्चों को विद्यालय तक लाना, ठीक है, क्या था इसमें? 2003 तक आप सभी जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें विद्यालय तक आप लेकर आओगे। 2007 तक का क्या लक्ष्य था? 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना, जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चों को 2007 तक प्राथमिक शिक्षा को पूरा कराना। 2010 में 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उस बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करवाना, ठीक है। अगर हम आगे चले यहाँ पर, जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना और संतोषजनक गुणवत्ता प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी कहीं तक इसका उद्देश्य था। आगे मैं आपको रख लू तो वर्ष 2007 में प्राथमिक चरण और 2010 में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर आने वाले सभी लिंग संबंधी सामाजिक श्रेणी अंतराल को खत्म करना, यानी ये बोल रहे थे 2010 तक अगर हम देखें तो प्राथमिक शिक्षा में जो भी लिंग संबंधी जो भी विभेद हो रहा है उन विभेदों को पूरी तरीके से खत्म कर देना, तो ये था इनके लक्ष्य। अब यहाँ देखिए इसकी उपलब्धियां क्या हुई, इसका कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ, क्या फायदा हुआ, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए फायदा बहुत बड़े बड़े हुए हैं इसमें। पहले की कंपटीशन में देखें तो जो एडमिशन थे 1950 और 1951 में 31% एडमिशन थे सिर्फ, और वही एडमिशन आप 2003 और 4 में देखेंगे तो 85% बढ़ गए थे। 2001 की मैं बात करूं तो विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या थी 3.2 करोड़, और 2005 की हम बात करें तो मात्र 95 लाख ऐसे बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे। 2001 में लगभग 2 लाख नए स्कूल भी खोले गए, कितने लाख? 2 लाख, और 5 लाख शिक्षकों की यहाँ पर भर्ती भी की गई, ठीक है। आगे हम चले तो
प्रथम कक्षा में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों और अनुसूचित जाति जनजाति को लगभग 6 करोड़ निःशुल्क पाठ पुस्तक का वितरण किया गया सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप जो विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों थी उसकी में भी भारी कमी आई, लोग बाग ने विद्यालय छोड़ना बंद कर दिया जो बच्चे थे, किंतु वर्ष 2000 यह सफलता का अनुपात जो अनुपात इन्हें डिसाइड किया था वो प्राप्त नहीं कर पाई। आगे हम चले तो वर्ष 2010 में सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य पूरा ना होने के कारण केंद्र सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय ने 10 दिसंबर को यह निर्णय लिया कि सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने का एक प्रमुख साधन बनाया जाएगा, जिससे संशोधित सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित अधिनियम जो है 2011 में वो पारित किया गया। तो ये फ्रेंड्स वीडियो कैसा लग रहा है आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, और जल्दी नीचे वहां पर देखिए लाइक का बटन है उसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। चलिए देखना बंद करिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। ओके चलिए कर दिया है, थैंक यू। आगे मैं आपको रख लेता हूँ मध्याह्न भोजन स्कीम। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ग के जो बच्चे थे जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए मध्याह्न में एक भोजन की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, उसे मध्याह्न भोजन कहा गया था। पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तो क्या था प्राथमिक स्तरों की जो बच्चे हैं उसमें पोषाहार स्थिति को सुधारने के लिए, उनके जो पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए 15 अगस्त 1995, रिमेंबर दैट, नोट डाउन भी करेंगे आप, 15 अगस्त 1995 को पोषाहार समर्थन राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1995। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका काम आएगा आपको ये, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में तो मिल जाएगा, पर आप अभी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस योजना के अंतर्गत 1 से 5वीं तक कक्षा में देश के राजकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे होंगे अगर उनकी उपस्थिति होती है तो उन्हें प्रतिमाह 3 किलोग्राम गेहूं और चावल प्रदान किया जाएगा, गेहूं या चावल प्रदान किया जाएगा। किंतु ये योजना जब चली तो यहाँ देखने को मिला कि बच्चों को ये लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसका लाभ जो है वो उसके परिवार को मिल जाता है, सारे लोगों को मिल जाता है। तो इसीलिए 1 सितंबर 2004 को ये योजना चेंज कर दी गई और प्राथमिक विद्यालय में पका पकाया जो भोजन है उसकी व्यवस्था कराई गई, जो पका हुआ भोजन है वो ही बच्चों को मिलेगा। अगर हम इसके आगे भी हम बात करें तो इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में मध्यकाल में छात्र छात्रों को सप्ताह में 4 बार दिन में चावल से बना हुआ भोज और 2 दिन तक आपको गेहूं से बना हुआ भोज प्राप्त होगा, और ये बने हुए भोज की व्यवस्था जो है उसके लिए ऐसा भोज तैयार होगा जहां प्रतिदिन लगभग 100 ग्राम खाद्यान्न निर्मित किया जाएगा सभी छात्र छात्राओं के लिए, जिसे पकाने के लिए जो लागत लगेगी उसी को भी लागत भी देगी सरकार, और साथ साथ में इसमें पोषक बना रहा है भोजन, इसलिए इसमें कम से कम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, ऐसा भोजन पकाया जाएगा विद्यालयों में। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये आपको ये वीडियो जो मध्याह्न भोजन के ऊपर था? अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो काफी वीडियो बचा हुआ है, पर इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले रेड कलर का बटन दबाकर, और उसके साथ में एक बेल आइकन होगा साइड में उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप रात 9 बजे जो लाइव क्लासेस है उसे भी अटेंड करें। जो मैं सीटेट और यूपी टेट के अबाउट्स में लाइव क्लासेस रखता हूँ वो आपको अटेंड करनी है रोज रात 9 बजे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा डिस्क्रिप्शन पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मजा आ जाएगा आपको इसमें। तो यहां देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में राज्य परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसमें कौन कौन सहयोग करेगा? इसमें राज्य सहयोग करेगा और राज्य के साथ साथ इसमें राज्य सहयोग करेगा और साथ साथ में अगर आप इसमें देखिए तो इसमें राज्य सहयोग करेगा
और इस अधिनियम को 2005 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम विधेयक को संशोधित रूप में वर्ष 2002 में संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A और भाग 3 के माध्यम से 14 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान दिया गया। तो देखिए क्वेश्चन कई बार बना है कौन सा संविधान संशोधन, तो वो है 86वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद कौन सा है 21A और भाग कौन सा है 3। 86वें संविधान संशोधन भाग और सॉरी अनुच्छेद 21A और भाग 3 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा और सन है आपका 2002, रिमेंबर दैट। इसे प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को यह अधिनियम पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश में लागू हो गया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको समझ नहीं सकते आप कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पर कोई बात नहीं, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ और लाते रहूंगा। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए और हमारे सारे वीडियोस और अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाते रहिए और डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। पर रात 9 बजे लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।